शफक, सब खैरियत है ना? क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया है? नहीं यार, खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ दी है, लेकिन क्यों? बस कुछ हुआ था। शफक, तुम तो बता रही थी ना कि तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी हैं। मैं तो कहूंगी कि तुम्हें ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, फिर कहाँ मिलेंगे ऐसे अच्छे लोग? कोई अच्छी नहीं है वो, बल्कि बहुत ही मतलबी है। शफक, क्या मतलब था उनका तुम्हारे साथ? बहुत ही घटिया मतलब था उनका। छोड़ो, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ वो सब। ठीक है, तुम मत याद करो फिर। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई वैकेंसी है? यार, मेरे ऑफिस में भी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आई कोई वैकेंसी तो मैं सबसे पहले तुम्हें रेकमेंड करूंगी। हाँ, वरना फिर मैं अखबार में इश्तहारात देखूंगी। और क्या ऑप्शन है हमारे पास इसके अलावा? तुम्हें तो पता है मुल्क के हालात, लोग पुराने वर्कर्स को निकाल रहे हैं, तो नए वर्कर्स कौन रखेगा? फिर मैं क्या करूं? तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, बस तुम कोशिश करती रहो, अल्लाह ने चाहा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। अल्लाह करे। वैसे कहीं और ना बात बन सकी तो एक ऑप्शन तो है तुम्हारे पास। वो क्या? वो हम पुरानी फैक्ट्री में काम करते थे ना, शहरियार टेक्सटाइल, अब तुम वहां जाना, वहां पे तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहां वैकेंसीज आती रहती है ना। पुरानी फैक्ट्री, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा वहां दोबारा जाना, तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना, तुम जा सकती हो। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, तुम कहीं और पे ट्राई करती रहो, मैं भी तुम्हारे लिए देखती हूँ, कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू सवेरा, तुमने मुझे ये मशवरा दिया। चलो, परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं बातों में तो बिल्कुल भूल ही गई, तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ? अरे नहीं मेरी जान, थैंक यू। बस कुछ सोचती हूँ तुम्हारे लिए, मैं बात करती हूँ किसी से। थैंक यू सवेरा।